नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची भारद्वाज। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन राजद के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। जहां पहले दिन विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव को अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, यह कहकर कि आज शोक मनाया जाना है। पहले दिन कार्यवाही मौजूदा विधायकों और सदन के पूर्व सदस्यों के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आज दूसरे दिन विपक्षी दल के पूरे आक्रोश में है, जिसकी शुरुआत राजद विधायक मुकेश रोशन ने की। पेट्रोल डीजल और तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताते हुए वह साइकिल चलाकर सदन पहुंचे और केंद्र के साथ राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। राजद के विधायकों ने कहा कि यूपीए की सरकार में गैस सिलेंडर 450 में मिल जाता था, पर अब उसकी कीमत 900 से अधिक हो गई है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार है, लेकिन हमारे सीएम का यह कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए आज हम नीतीश कुमार को बढ़ती महंगाई से पूरी तरह से अवगत कराएंगे। बेतहाशा तेल का दाम बढ़ा है, गैस का दाम बढ़ा है, राशन नहीं मिल रहा है समय पर, कितने लोगों को राशन कार्ड नहीं बना। ये सरकार में राशन और तेल दोनों खेल मेल चल रहा है। लोग का खा गया राशन, पी गया तेल, यही है नीतीश मोदी का खेल। हेलमेट पहन के आए हैं सुरक्षा के लिए। कल से आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग को जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगा, हम लोग सुरक्षा कवच लगा के अपना चलेंगे सेल्फ डिफेंस में। महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, राशन पी गया तेल, राशन पी गया तेल, राशन पी गया तेल, मोदी नीतीश का खेल, नीतीश कुमार गद्दी छोड़। ये देखो मोदी का खेल, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। ये सरकार गरीबों को मारने का कार्य कर रही है और मार के ये सरकार मुफ्त अनाज के नाम पर एक तरीके से ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम कर रही है। आम लोग बेबस हैं, लाचार हैं, गरीब लोग आत्महत्या के कगार पर हैं महंगाई के कारण। देखिए, आप सब जानते हैं पेट्रोल डीजल गैस की कीमत आसमान छूना है, महंगाई सारे चीजों का, चाहे सरसों तेल हो दाल हो, सब महंगाई आसमान छूना है। और सरकार चुप बैठी है, सिर्फ वो अपने दोस्तों को अंबानी अडानी और भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके जेब भरने का काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में फूड वाला कीमत $73 प्रति बैरल है, जिसमें कांग्रेस सरकार जिसको $130 के आसपास था, 55 से 60 रुपए हम देते थे, सब्सिडी तेल कंपनी को देते थे। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। हमारी खबरों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।